आज हमारे साथ बिहार की एक बेटी मौजूद है ऋषिका सिंह चंदेल, जो कि एक टीवी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। तो इनसे जानेंगे हम इनके सफर के बारे में, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं ये सब कुछ इन्हीं के जुबानी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। हम आपके प्रोजेक्ट्स एंड सफर के बारे में तो जानेंगे, पर शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आप अपने बचपन के बारे में बताएं, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ से है? बेसिकली मैं छपरा से हूँ और बचपन भी मेरा वहीं बीता है। मेरे जितने भी एजुकेशन है वो भी वहीं से मैंने कंप्लीट की है। इवन मैंने मास मीडिया से मास्टर भी किया है, वो मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। सो बचपन जो है मेरा, बचपन से क्या, बचपन से जवानी भी मेरी यही बीती है बीती रही है अभी। एंड जो भी आगे ये जो एक्टिंग का कीड़ा है वो मेरे स्कूल टाइम से मेरे अंदर बिल्ड हो गया था। तो घर वाले चाहते थे कि आप एक्टर बने या उनका कोई और प्लान था और आप एक्टिंग के फील्ड में कर लें? नहीं, मेरे पापा को बहुत मन था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं, कुछ अच्छा हो, मतलब जिससे सिक्योर हो मेरी लाइफ। बट ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने कभी मुझे कहा कि ये नहीं करना है। इन लोगों का फुल 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 सपोर्ट था। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग के फील्ड में जाना है? एग्जैक्टली अभी से 4 साल पहले, जैसे ही मैंने अपना मास्टर कम्प्लीट किया उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जाना है। देन मैंने अपने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो शुरुआत कैसे हुई फिर? शुरुआत हुई, मैं मुंबई गई, वहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती थी। कोई होता है गॉडफादर होता है आपका, जो आपको गाइड करता है आपको यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, नो वन, कोई नहीं था। मैं गूगल से सर्च करती थी, प्रोडक्शन हाउस के नाम निकालती थी, फिर मैप के थ्रू मैं वहाँ जाती थी, ऑडिशन देती थी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, स्टार्ट में बहुत छोटे छोटे काम मिले मुझे, लाइक 1 डे 2 डे, फिर से CID किया, क्राइम पेट्रोल किया, सावधान किया। फिर धीरे धीरे आपने जैसे 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 आप काम करने लग जाते हैं उसके बाद आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। फिर मैंने कुमकुम भाग्य किया, विद्या किया, तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपके करियर में आप किस सीरियल को या किस रोल को अपना माइलस्टोन मानती हैं, जहाँ से आपके करियर में ग्रोथ ज्यादा दिखने लगा? हाँ, मैंने शो किया था विद्या कलर्स चैनल के लिए, वहाँ पे मैंने नेगेटिव प्ले किया था। सो वो बहुत पसंद किया लोगों ने, तो मुझे लगा कि मतलब यही वो नेगेटिव रोल है जो मैं प्ले करूँ तो लोगों को पसंद आएगा। और एग्जैक्टली अभी जो मैं शो कर रही हूँ उसमें मैं लीड नेगेटिव प्ले कर रही हूँ और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। जी, आप जो अभी शो कर रही हैं लवबंदी, उसके बारे में बताएं कुछ। लवपंथी एक नया शो है जो MX Player पे आता है एंड आज़ाद चैनल पे आता है, मंडे टू सैटरडे रात को 8 बजे। और उसमें मेरा किरदार है फुल ऑन नेगेटिव। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक होता ना कोई आपका कैरेक्टर है और आप वो प्ले करते हैं, नहीं मैं बिल्कुल उस कैरेक्टर की नहीं, वहाँ थोड़ी बहुत हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है और मेरे लिए बहुत टफ भी है करना, क्योंकि रोज आपके लिए चैलेंजिंग चीजें होती हैं, आज ये वेरिएशन चाहिए, कल वो वेरिएशन चाहिए, तो बस मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसा होता है कि एक्टिंग फील्ड में जब सभी जाते हैं तो सभी हीरो बनना चाहते हैं, मतलब नेगेटिव रोल की तरफ नहीं जाते हैं, पॉजिटिव रोल करना चाहते हैं, बट मेरे ख्याल से नेगेटिव रोल करना ज्यादा टफ होता है। Exactly. तो आपको जब नेगेटिव रोल ऑफर किया गया तो आपका रिएक्शन क्या था? मैंने पॉजिटिव भी किए हैं, बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो मैंने पॉजिटिव प्ले किया है, बट ना वो सेटिस्फेक्शन होता है ना अंदर से कि हाँ, वो एकदम सीधी बने रहना, हाँ हाँ, तो मुझे लगा नहीं ये क्या, ये इट्स बहुत वेरी कॉमन थिंग, बट मैं उसे कॉमन नहीं कहती हूँ। मेरे लिए मुझे लगा कि ये बहुत सिंपल है, बट मुझे जब नेगेटिव रोल का आया ना तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। आपको करना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और वो पॉजिटिव के लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं, मैं बस सीधी बनी हुई हूँ, बस पैसा था। तो अकॉर्डिंग टू मी नेगेटिव रोल इज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफरेंट एंड वेरी 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 टफ। आप जब आपने अपना करियर शुरू किया था 4 साल पहले और अभी, तो आप खुद में कितना बदलाव महसूस करती हैं? जब मैं आई थी मुंबई, मतलब गई थी, तो लोगों से मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पाती थी, मैं इधर से गई हूँ, अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाती थी, 1-to-1 मेरी बातें नहीं हो पाती थी, बहुत शाई थी मैं उस टाइम। एंड नाउ अभी मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कुछ भी बोलो, कहीं भी जाने के लिए बोलो, कोई भी ऑडिशन हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी इंटरव्यू हो, आई एम वेरी बोल्ड नाउ। बोल्ड इन द सेंस मैं मतलब वोकल हो गई हूँ, मैं बोलना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो ये बहुत डिफरेंसेस हैं, जब आप धीरे 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 लोगों से मिलने लग जाते हो, आपके आपका सर्कल बनने लगता है, तो आप खुलने लग जाते हो। तो बस ये तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए मेरे में, पहले मैं बहुत शाय थी, अब नाउ आई एम वेरी नॉर्मल कॉमन।
छोटे से शहर में पले बड़े और छोटे से शहर में अपनी जिंदगी बिताकर एक बड़े से शहर में जिसे सपनों की नगरी कहते हैं वहां जाना और वहां एडजस्ट करना कितना टफ रहा? बहुत मुश्किल है, स्पेशली खाने को लेके बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, क्योंकि मैं जब गई थी तो पीजी में शिफ्ट हुई थी ना, मैंने बताया वहां पे मैं किसी को नहीं जानती थी, बट धीरे धीरे एक डेढ़ साल रही, फिर मैंने अपना फ्लैट ले लिया अलग से, फिर मेरे पेरेंट्स आने जाने लगे, और वहां पे जो खाने भी मिलते हैं ना, यू नो किसी चीज में मीठा ज्यादा है जो हमें पसंद है, लाइक भात दाल चोखा, भात दाल भुजिया, सब्जी, लिट्टी चोखा, बिहारी टच नहीं मिलता था, फिर मैंने कहा कि नो, तो इस चीज को मैं बहुत ज्यादा मिस करती थी। बट नाउ जब आपका अपना घर हो जाता है, आपकी अपना अपना किचन होता है, आपकी सारी चीजें अपनी होती हैं, तो वो सारी चीजें आपकी होती हैं, बट फिर भी वो टेस्ट अभी भी नहीं मिलता मुझे। मैं बनाती हूँ फिर भी, या मेरा कुक बनाए तो भी, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ तो रात को ही जाके मैंने लिट्टी चोखा खाया, और दोपहर में शो के पहले मैंने फुचका खाया। फुचका को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं वहां पे। तो आप जब ने आपने खाने पीने की बात की है, तो हम ये जानना चाहेंगे आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, और खाने के बाद फिर से भूख लग जाती है मुझे। अभी यही डिस्कशन चल रहा था बैठ के कि मैं खाना इतना सारा, 1 किलो खाना लेती हूँ और मैं 50 ग्राम खाती हूँ, बाकी सब छूट जाता है। फूडी बहुत हूँ, मेरा दिल बहुत करता है खाने का, बट मैं ज्यादा नहीं खा पाती, और मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, ठीक है, और वो भी नॉनवेज मेरी मम्मी के हाथ का ही पसंद है, या फिर मैं आती हूँ तो घर का ही खाती हूँ, मैं बाहर से लेके नहीं खा पाती मैं। एंड मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, आई लव राजमा चावल, पूरी सब्जी, लिट्टी चोखा, सत्तू, वो जो सान के खाते हैं ना, तो वो सब मुझे बहुत पसंद है। तो जो डिशेज आप बता रही हैं वो सब वेट गेन करने वाले डिशेज हैं, मतलब एक तरह से अगर आप उसे खाएं तो काफी फिगर आपका इधर से उधर हो जाएगा। तो एक फूडी के लिए फिट होना कितना मुश्किल है? मैं ना मतलब ब्लेस्ड हूँ थोड़ी चीजों में, मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खाऊं तो मेरे शरीर को लग जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जितना खाती हूँ उतनी मेहनत भी कर लेती हूँ मैं, तो वो एडजस्ट हो जाता है मेरी बॉडी में, और वो है ना मेरे रिचुअल्स है कि मैं सुबह उठी, ये पानी पिया, उसके बाद मैं वर्कआउट करूंगी ही करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो मेरे स्केड्यूल में शामिल है वो चीजें, तो मैं कितना भी खा लूं मैं उतना पसीना निकाल लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इस चीज से ब्लेस्ड हूँ मैं जी। तो आपको अपने काम के सिलसिले में यहाँ से वहां ट्रेवल करते रहना पड़ता है, उसमें आप अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करती हैं, वर्कआउट को कैसे मैनेज कर पाती हैं? सबसे मुश्किल होता है कि आपको यहाँ से वहां जाना है, ठीक है, सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, जो सीरियल्स करते हैं, डेली सोप करते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, एंड हमारा जो शिफ्ट होता है ना वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, आज 6 बजे की शिफ्ट लगी, कल 10 बजे की हो सकती है, परसों 12 बजे की हो सकती है, अब उसी टाइम में हमें रात को मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, हम दूसरे स्टेट को जब ये करते हैं तो हम लोग खाने पे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वर्कआउट तो कर नहीं पाएंगे, अब आप सारी चीजें मैट एंड ऑल लेके तो जा नहीं सकते, यहाँ पे जिम आपको मिलेगा नहीं एक दिन के लिए, वो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा तो इसलिए हम लोग खाने पे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करते हैं, देन बस ओके। आपके बचपन का जो बिहार था और अभी का जो बिहार है, कितना अंतर है इस बिहार में? बहुत अंतर है, मैं तो बिहार को मिनी मुंबई कहती हूँ सीरियसली। पहले मतलब हम लोग निकलते थे 8 बजे के पहले तो घर पहुंच जाना है, आप स्कूल जा रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं दोस्तों के यहाँ, चाचा चाची, व्हाटएवर, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको 8 बजे के पहले घर में होना है, क्योंकि रोड पे लड़कियां नहीं निकलती थी। अब नाउ आप बाहर निकलिए 10-11-12 बज रहे हैं, लोग बाहर दिखते हैं आपको, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और सेकंड थिंग ना कि आजकल के यूथ जो है ना वो बाहर जाके पढ़ रहे हैं और फिर वो यहाँ भी आते हैं, तो उनके थॉट्स चेंज हुए हैं, अगर उनके थॉट्स चेंज होते हैं तो पेरेंट्स के भी होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ है बिहार, और मैं आशा करती हूँ आगे और भी ज्यादा होने वाला है। आप जब बिहार से बाहर नए स्टेट में गई, महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वहाँ लोगों का रिएक्शन क्या होता था? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप बिहार से हैं तो लोग ऐसे कहते हैं अरे बिहार से हो, तो वो रिएक्शन क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं अरे बिहार से हो? क्या है ना, बिहार को लेके लोगों की विचारधारा है ना वो बहुत डिफरेंट है, शुरू से वो चीजें बनी हुई है, ठीक है, तो उसे एक इंसान चेंज नहीं कर सकता, उसे सबको मिलके चेंज करना होगा, वो जो चित्र आप देखना चाहते हैं वो हम सबको बना के दिखाना होगा, वो मेरे सिर्फ कहने से कि बिहार चेंज हो गया इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो हम सबको मिलके करना होगा तभी वो समझेंगे। शुरू शुरू में लालू जी के बारे में बहुत सारी चीजें होती थी, यहाँ पे रेप बहुत होते हैं, यहाँ के लोग ऐसा करते हैं, यहाँ के लोग वैसा करते हैं, बट लोग ये भी जानते हैं कि यहीं से लोग करते हैं, सारी चीजें यहीं से निकलती है।
तो कुछ अभी चेंजेस आए लोगों की थॉट प्रोसेस में या अभी भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है? बहुत बहुत चेंजेस आए हैं. अब तो आप देखो बिहार के लोग ही बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, ठीक है, तो चेंजेस तो आए हैं. और आप इंस्पिरेशन किन्हें मानती हैं अपनी लाइफ में? मैं इंस्पिरेशन अपनी मदर को मानती हूँ, क्योंकि हम सात बहनें हैं और उन्होंने जितना स्ट्रगल करके हमें पाला है. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनके जैसी बन पाऊँ और वैसे ही कुछ अच्छा कर पाऊँ. आप ऐसे तो अपनी मदर को इंस्पिरेशन मानती हैं, मगर एक्टिंग में किन्हें आप अपना आइडल मानती हैं? मुझे मधुबाला जी की एक्टिंग बहुत पसंद है, तो या मैं उनकी फिल्में अक्सर देखा करती हूँ. इवन अभी मुझे रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है दूसरे कंट्री में जाके, सो मुझे उनकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. उनकी कोई और खास बात जो आपको काफी पसंद है? मैंने बताया आपको कि वो ना इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं दूसरी कंट्री में जाके, वो चीज मुझे बहुत पसंद है. ओके, तो आप हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.